दिन है और ताक रात है, कोई इल्मी बात इल्मी मजलिस में बैठना ये भी बड़े अजरो सवाब और फ़ज़ाइल की बात होती है। मौज़ा सामीन ग्रामी कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की एक 30 आयतों की सूरत है, जो बंदा रात सोने से पहले उसको अपनी आदत का हिस्सा बना लेता है, रात सोने से पहले उसको पढ़ लेता है और इसके अंदर भी वसत मौजूद है, एक बंदे की आदत है रूटीन है कि वो रात सोने से पहले पढ़ता है और किसी दिन उसको नींद जल्दी आ गई वो पहले पढ़ ले, ये बात ज़रूरी नहीं कि बस सोने से मुत्तसिल पढ़ना है, यानी उसने उस रात में एक मरतबा उसको पढ़ना है, टाइम टेबल और शेड्यूल बंदा अपनी मर्ज़ी से बना सकता है। वो पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि इस अकेली सूरत को पढ़ लेने से बाद ऐसे फ़ज़ाइल इंसान के मुकद्दर में आ जाते हैं जो बिलअमूम शुहदा के मुकद्दर में आते हैं। आपको बताया अज़ाबे कब्र से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या? जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाए, और लोग जिहाद बिलअमूम इसी गर्ज़ो गायत की वजह से करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हम जिहाद करेंगे, खून का पहला कतरा भी ज़मीन पर गिरेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी ख़ताओं को माफ़ करके रूह को अपने पास बुला लेंगे, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएंगे। अब एक बंदा शहीद तो नहीं हो सका या जिहाद पे तो नहीं जा सका या बुज़दल है, और ये बात याद रखिए कि मोमिन बुज़दल हो सकता है, हर बंदे का ईमान ऐसा नहीं होता। अब उस बंदे को क्या चाहिए, वो क्या करे? वो सिर्फ सूरह मुल्क 30 आयतों की सूरत है, अगर हर रोज़ रात को पढ़ लेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर अगर उसके ऊपर अजाब आना भी चाहेगा तो ये सूरत जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को अपने आगोश में ले लेती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले को अपनी आगोश में ले लेगी और अजाब के सामने डट जाएगी और अजाब के सामने खड़ी हो जाएगी। तेरी जुर्रत कैसे है? इस बंदे को हाथ लगाता है जिसने पूरी जिंदगी एक दिन मेरा नागा नहीं किया। और मैं आपको एक वाकया बतलाता हूं, मुस्तनद और सिका वाकया, डॉक्टर ने बाद लोग जिनकी आदत पुख्ता होती है ना सूरह मुल्क पढ़ने की, याद भी ना हो याद भी नहीं है, डॉक्टर ने हमें यह बात बतलाई है कि कई मरतबा नजा के आलम में हमने ऐसे बंदे की जुबान से जो कोमे के अंदर मौजूद है सूरह मुल्क की तलावत जारी होते हुए देखी है, हालांकि वो हाफिज भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला को भी बंदे के ऊपर रहम आ जाता है। यानी ये सूरत इतनी जामे माने अजाब के सामने कि सिर्फ इस 30 आयतों की सूरत को अगर आप अपना लेंगे इंशाल्लाह सब अजाब कब्र से बच जाएंगे। आज आपने इरादा करना है, कितने भाई वादा करते हैं कि जिंदगी में 30 आयतें पढ़ेंगे, भाइयों 30 आयतें पढ़ना क्या मुश्किल है, आज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत अपनी जिंदगी में जारी कीजिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ एक और सूरत भी पढ़ा करते थे, अलिफ लाम मीम सजदा की, और रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं आई कि रसूलुल्लाह ने इन दोनों सूरतों के बगैर रात को बसर किया हो। और मेरे भाइयों बहुत से सवाल असर की नशिस्त में भी हुए, उनमें से बाज़ का जवाब मैं देता हूँ। लोग बहुत से मसाइल के बारे में बहुत सी आयतें पूछते हैं, एक आयत जो दुश्मनों के लिए, किसी ऐसे दुश्मन का जब आप हक पे हों और वो आपका हक गसब कर रहा हो, दुश्मन से मुराद ये नहीं कि कुफार और यहूदों नसारा ही हों, मुराद ये आप किसी इदारे में काम करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उसका बॉस आपके खिलाफ हो गया, तो उसके लिए वजीफ़ा अक्सर लोग पूछते हैं, तो कुरान पाक की एक आयत है जिससे ये वजीफ़ा मुस्तार है, रब्बी अन्नी और रब्बी इन्नी, दोनों पढ़ सकते हैं, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। और इसके साथ जो हदीस और असलाफ के रवायत साबित है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलु कफी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम, ये भी वजीफा आपने याद करना है, या ये याद कर लें अल्लाहुम्मा कफीनी हिम बिमा शित, जैसे आप चाहें अल्लाह हमें इसके शर से बचा लें। इन वज़ाइफ को पढ़ लेने से, और अदद की बात दोबारा आपको कहूँगा कि 313 मरतबा कोई भी वजीफा अगर आप शुरू करें नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ा करें। इसी तरह शुगर के मरीजों के हवाले से, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन वाखरिजनी मुखराजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा, ये वजीफा बड़ा मुजर्रब है। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन अगर इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि जहां से अब निकलने की उम्मीद नहीं, बंदा वेंटिलेटर पे चला गया, बंदा ऐसी हालत में पहुंच गया है कि अब निकलने के इम्कान कम है, तो उस वक्त ये वजीफा बड़ा मुजर्रब है।
ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनव वालिमीन, क्योंकि यूनस ने भी ये उस वक्त पढ़ा था जब जाहरी कोई सबब बाकी ना था, अंधेरा था, मछली के पेट का अंधेरा, समुंदर का अंधेरा, रात की तरीकी का अंधेरा, और अल्लाह ताला ने अल्फाज क्या कहे हैं, अल्लाह ताला ने कहा अगर ये ना पढ़ता, यूनस नबी है, सारे नबी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं, ये यूनस अगर ये दुआ न करता लबी सफी बतनी ही इला योमी उबासून, तो सारी जिंदगी उसी मछली के पेट में रहता। गोया ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, आपने कसरत से पढ़ना है, कसरत से पढ़ने से आप जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल का शिकार होंगे इंशाल्लाह, निकालना तो मुश्किल से अल्लाह ही ने है, और अल्लाह ही इंसान को तरीके जरिए बताता है कि जो इंसान पढ़ ले तो इंसान मुश्किलात से बच जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो, फ़कशफ़ना अनका ग़िताका फ़बसरुकल यौमा हदीद के साथ कोई भी उज़्फ़ तलफ़ हो जाए, लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, किसी आँख की कमज़ोरी हो जाए, कोई एक इंसानी जिस्म का हिस्सा मुतासर हो जाए, कोई भी, इन्नहु अला रजईही लकादिर, इन्नहु अला रजईही लकादिर, इस आयत का वजीफा मुजर्रबात में शामिल है, यानी तजर्बे और मुशाहदे से यह बात समझ आती है कि यह वज़ाइफ पढ़े जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो खोई हुई बिनाई है उसको भी वापस लुटा देता है, जो खोई हुई ताकत है, कुव्वत है, उसको भी वापस लुटा देता है। इसी तरह बहुत से वज़ाइफ और भी कुरानी आयात से उलमा ने, सूरह मरियम के हवाले से आपको पता है ये बात मारूफ है कि अगर हालत हमल में कोई औरत पढ़े तो उसकी बेहतरीन सूरत हो जाती है और बेहतरीन सीरत के एतबार से रब्बी हबली मिनस सालिहीन भी है, कि जो सिर्फ सूरत को नहीं सीरत को देखना चाहता है वो अपने बच्चे के लिए कसरत से ये दुआ करे। ये कुरानी जो दुआएं होती हैं ये इंसान को लाजमी फ़ायदा देती हैं। ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएँ कर रहा है, वजीफे कर रहा है किसी काम के लिए तो वो काम ना हो। और एक और बात जो आज आप सब ने, कई मरतबा इंसान के दिल में घुटन होती है, तंगी होती है, वसवसा होता है, शैतानी हमले होते हैं, इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, इंसान पेपर देने जा रहा है, इंसान किसी के सामने खड़ा होने से डर रहा है, जनाब मेरा इंटरव्यू है, बहुत बड़ा अफसर है, मैं उसके सामने इंटरव्यू कैसे दूंगा। इंसान और खतीब और उलमा भी जब स्टेज पर आते हैं, मेम्बर पर बैठते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ते हैं। आपने भी इस वजीफे को अपनी ज़िंदगी में जारी करना है, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहाँ तक ये पढ़ना। इससे क्या होगा, कई मरतबा तो बाज़ दोस्तों ने अजीबोगरीब इसके फ़वाद बताए हैं कि दिल की बीमारी के अंदर, दिल की बीमारी के अंदर रब्बी शराहली सदरी पढ़ा किसी और काम से था लेकिन दिल का बंदा बीमार था, स्टंट डॉक्टरों ने कहा था पढ़ने वाला है, उसने इस आयत का वजीफा किया रब्बी शराहली सदरी, अल्लाह ताला ने हकीकत में भी सीना खोल दिया और दिल को खोल के रख दिया और जो स्टंट पढ़ना था उसकी नौबत ही ना आई। ये रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, बात फिर वही है लेकिन ये नहीं है। अल्लामा साहब ने वजीफा बताया था, एक दफ़ा पढ़ा, नतीजा ना निकला। आपने कोई भी वजीफा, अगर मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की रोशनी में कह रहा हूँ, आपने कोई भी अगर वजीफा करना है, फर्ज नमाज के बाद उसका अदद 313 बनाना है, और अगर आप यकीनी कामयाबी चाहते हैं पहले 7 दिन का वजीफा करें, और अगर 7 दिन में काम ना हो तो 41 दिन या 40 दिन के अंदर वजीफा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर कामयाबी अता करेगा। जिस मकसद के लिए आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं उसके अंदर इस अदद का आपने ख्याल रखना, क्योंकि ये कसरत के अंदर जब वजीफा चला जाता है। और एक बात आई है ज़िमनी तौर पर तो बता देता हूँ, हमारे नाना हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहिमहुल्लाह ये वजीफ़ा अपनी बेटियों को, औलाद को बताया करते थे कि बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएं, बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ के साथ काम ना हो रहा हो तो फिर वो कहा करते थे, सारे घर वालों को ये तलकीन किया करते थे, बेटी अगर तेरा ये काम नहीं हो रहा, बेटे अगर तेरा ये काम नहीं हो रहा तो तूने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम, इसके साथ या वाहिद या जल जलाली वल इकराम, या वाहिद या जल जलाली वल इकराम, ये मिला के पढ़ना है। और उनका ये कहना था कि इसके अंदर यकीनी तौर पे इसमें आदम मौजूद है, और इसमें आदम के हवाले से पहले आपके सामने ये बात रखी थी कि इसमें आदम के बारे में, अल हय अल कय्यूम के बारे में बेशुमार उलमा का इत्तफाक है। तो इसके साथ उन्होंने ऐड क्या किया, या वाहिद या जल जलाली वल इकराम, यह 313 मरतबा सिर्फ एक दिन, एक दफा में पढ़ना है, एक दफा में, और उसके बाद जो दुआ आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगना चाहेंगे इस इसमें आजम की बरकत की वजह से वो काम हो जाएगा।
और मैं आपको एक सिका बात इस हवाले से बताता हूँ। हमारे एक दोस्त ने, उसकी वालदा कैंसर की मरीजा थी आखिरी स्टेज पे, उसने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी माँ को शिफा दे दी, उसकी माँ को शफायाब कर दिया। गोया ये इसमें आदम के जो वजाइफ हैं ये, लेकिन वो आखिरी हल है, जब दीगर वजाइफ से काम ना हो रहा हो तो फिर इस वजीफे के जरिए अपना काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर देना चाहिए। आगे बाद लोग डिप्रेशन का और नींद का बड़ा शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, तो उलमा ने यह बात लिखी है कि सूरत नबा अम्मा या तसाअलून, तीसवें पारे की जो सूरत है, अगर इसको बंदा रात सोने से पहले बिस्तर पे गया नींद नहीं आ रही, 7 मरतबा अगर पढ़ लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नींद भी डाल देगा। और आपके सामने कुल हुवल्लाह के फ़ज़ाइल को उस दिन तफसीली रख दिया था, कुल या अय्युहल काफिरून को 4 मरतबा पढ़ने से कुरान का सवाब मिलता है, कुल हुवल्लाह को 3 मरतबा पढ़ने से मिलता है। आखिरी बात है मुवत्ततैन, वज़ाइफ इसके अलावा भी हैं, और मैं आपको ये तलकीन करता हूँ कुरान की किसी आयत के बारे में किसी बंदे का शिफा के वाले से कोई तजर्बा और मुशाहदा है आप उसको गौर करें, अगर उसकी आयत के साथ मुमासलत और तत्बीक बनती है उसको अपना लें, और कुरान पाक पूरे का पूरा शिफा के लिए भी है। इसी तरह जो मुवत्ततैन आखिरी दो सूरतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से ये बात साबित है, किसी पनाह मांगने वाले ने इससे बेहतर किसी चीज़ की पनाह नहीं मांगी। और जो जो चीज़ इसमें बयान हुई है और जिस जिस चीज़ की इसमें पनाह मांगी गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पनाह अनायत करता है। ये पिछले हाल की लाइट नहीं चल रही, खुद बंद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुवद्दतैन से जो इसके अंदर दिलों के वसवसे, शयातीन के वसवसे, जादूगर की फूंके मारनों का तस्करा, जिन्नात का तस्करा, रात के शर का, जितने शर हैं अगर इनको पढ़ा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को कहा पढ़ पढ़ पढ़, उसने कहा क्या पढ़ूं, तो रसूलुल्लाह ने कहा यह पढ़ कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। तो इसको भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना है, ये चारों कुल रात सोने से पहले हर हालत में आपने 3 मरतबा पढ़ने। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी मौजूद है कि जो आखिरी तीनों कुल 3 मरतबा पढ़ता रात सोने से पहले उसके लिए सारी रात के लिए कफायत कर जाते हैं। आगे चलते हैं कुरान पाक के बाद जो सबसे, हालांकि ये जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है लेकिन इसको कुरान पाक के बाद बयान किया जाता है कि अफजल जिक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कुरान पाक के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। अगर कुरान पाक का अंदर के अंदर लगाएंगे तब भी, और अगर कुरान पाक से अलावा कहेंगे तो ये बेहतरीन जिक्र है करने के लिए। ये एक कलमा, एक ऐसा कलमा है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह, आपको बता मशहूर साहबी हैं, एक मरतबा फिर रहे थे, बड़ा परेशान थे, बड़े गम में थे, हजरत उमर ने देख लिया, परेशानी बांप ली, तलहा हजरत अबू बकर की खिलाफत का कोई मामला नहीं, नहीं 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 उमर वो कोई मामला नहीं, वो तो मेरे चचाजाद हैं, किस बात में परेशान है, चेहरे के ऊपर स्ट्रेस के असरात हैं, डिप्रेशन लग रहा है, परेशानी के आलम है, हाँ परेशान हूँ, बड़ा गम में हूँ। कहा क्यों परेशान और गम में? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलमा बताया था और मुझे कहा था कि जो बंदा ये कलमा मौत के वक़्त पढ़ लेता है, मौत की बीमारी में पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब कर देते हैं और अल्लाह ताला उससे सारे गम दूर कर देते हैं। हज़रत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए और तलहा तुझे क्या पता, तू ये कलमा भूल गया इतनी जल्दी, वो कलमा मुझे पता है। ए उमर आपको पता है? हाँ। वो बताइए, कहा वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा हाँ हाँ हाँ, आपने मुझे याद कराया, बस मेरे दिमाग से निकल गया था, बेशक यही वो कलमा है। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर तलहा बिन उबैदुल्लाह ने क्या कहा है? रसूलुल्लाह ने कहा एक कलमा है जो बंदा मौत के वक्त, और इसकी मुहद्दिसीन ने तशरीह की है, जिस बीमारी में मौत आनी हो, मसलन डॉक्टर ने कह दिया किसी के बारे में कि आप 5 साल और जियेंगे, 1 साल और जियेंगे, 10 दिन और जियेंगे, ऐसी बीमारी में बंदा चला गया कि जिसकी बीमारी के अंदर मौत आनी है, कैंसर हो गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब सिर्फ खलूसे दिल से एक कलमा कहना है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की फजीलत सुनिए, मौत के वक्त आपको पता है, मौत जब नजा का आलम होता है या जो घबराहट होती है मौत की, अभी बंदा मरा नहीं भी होता, बंदे को पता लग जाए ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सारी जिंदगी जो कमाया था वारसों का हो गया, बेटों का क्या बनेगा, बच्चियों का क्या बनेगा, रिश्तेदारों का क्या बनेगा, वो बेटी के हालात तो बड़े तंग हैं, उसका क्या बनेगा, बच्चा तो बड़ा छोटा है, उसका क्या बनेगा, यानी बताते खुद मौत एक गम की कफियत भी लेके आती है बंदे के ऊपर,
इंसान ने जिंदगी में जो कुछ किया होता है वो सारे के सारे गम उसका पीछा उस वक्त करना शुरू कर देते हैं जब बंदे को पता चल जाता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है या उसको पता लग जाता है मेरी हालत अब बिगड़ने वाली है, मैं इस मर्ज की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका हूं। तो वो जो गम है वो एक ही कलमे से दूर होते हैं जब बंदा उस आलम में ये कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ना पहले कभी इबादत का कोई फेल तेरे अलावा किसी की बारगाह में सर अंजाम दिया था। और मेरे भाइयों ये बात बड़ी अहम है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं कहना, खलूस से कहना है। हदीस के अल्फाज है खलूस से। खलूस क्या है? खलूस ये है कि अल्लाह आप ही इबादत के लायक हैं, इबादत का छोटे से छोटा फेल, नजर इबादत है कि नहीं, नियाज इबादत है कि नहीं, जिक्र इबादत है कि नहीं, रुकू इबादत है कि नहीं, सजदा इबादत है कि नहीं, दुआ इबादत है कि नहीं, ये सारे के सारे आमाल किसके साथ खास करने हैं? अल्लाह के साथ। फिर जुबान से कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मौत के वक्त अगर जितने भी गम इंसान को तंग कर रहे हैं सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक मरतबा जुबान से ये कहना है। और दूसरी बरकत क्या है? दूसरी बरकत यह है कि मौत के वक्त अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ और शादाब कर देगा। आपने कई मरतबा उलमा वाइदीन खुतबा और मुहद्दिसीन के चेहरों के ऊपर वो बशाशत देखी होगी जो मौत के वक्त आती है, और इसलिए आती है कि उनका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जिस बंदे का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, चाहे जो मर्दी अमल करता रहा था दुनिया में, आखिरी वक्त में भी ये कह दिया अल्लाह ना पहले किसी की इबादत की थी ना इंदा अगर तूने मोहलत दी किसी की इबादत करूंगा, बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। और हजरत आदम ने सही हदीस के जो अल्फाज हैं अपने बेटे को वसीयत करते वो क्या कहा था? कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी कलमा, इतना वजनी कलमा है कि अगर सात जमीनों को एक पलड़े में डाला जाए और तनहा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में डाला जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। और ये कहा था अगर सात जमीनों को एक तोक से बांध दिया जाए यानी एक जंजीर के साथ बांध दिया जाए तो दुनिया के अंदर कोई कलमा, कोई चाबी, कोई चीज ऐसी नहीं जो उस तोक को खोल दे, लेकिन अगर उस जंजीर के ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा जाएगा वो सारी की सारी जंजीर टूट के रेदा रेदा हो जाएगी। क्यों? आपने उस रब की इबादत का हक अदा कर दिया। सिर्फ जुबान से इकरार करना भी बड़ी बात है लेकिन दिल में इखलास भी होना चाहिए कि आज के बाद अल्लाह के अलावा किसी का खौफ भी नहीं होना चाहिए। खौफ भी इबादत की एक जुज़वी किस्म तो है ही है ना, अल्लाह का खौफ होना। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा नजर न्याज भी नहीं होनी चाहिए, सजदा रुकू भी नहीं होना चाहिए, जिक्र भी नहीं होना चाहिए, इबादत का कोई फेल भी गैर अल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर ये फजाइल देता है। और अगर इस कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह को जो पहले आपको उस दिन वजीफा बताया आज उसकी फजीलत भी बताता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस तरह पढ़ेगा ना। पहले तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा था, जो मुकम्मल पड़ेगा बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उस दिन ये फजीलत बयान करने के लिए वक्त कम था इसलिए आज बयान कर रहा हूं कि 100 मरतबा जो बंदा इस कलमे को पढ़ता है बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, 100 मरतबा पढ़ने का अजर और सवाब कितना है? नंबर एक, इस्माईल कौन है? पैगंबर हैं, रसूल हैं, उनकी औलाद में से 10 बेटों को गुलाम बना लिया किसी ने, अब उनको आजाद करवाने के लिए एक बंदे ने पैसे लगाए, लाखों करोड़ों पैसे से उन बंदों को आजाद करवा लिया, और एक बंदे ने सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे के नामाए आमाल में 10 इस्माईल के गुलाम बेटों को आजाद करने का अजर व सवाब लिख दिया जाएगा। क्या रसूलुल्लाह की बात पे शक है? तो पढ़ते क्यों नहीं? वजह क्या? हमें बस पर्ची चाहिए, हमें बस नुस्खा चाहिए, जो वो दे और दे भी कौन जो 20-20 साल से नहाया नहीं, खुद नहीं पढ़ना। ये 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इस्माईल के 10 बेटों की आजादी का सवाब है और इसी पर बस है। बहुत से भाई सवाल पूछते हैं, मैं आज आपको शरह सदर के साथ ये बात कहता हूं, जादू जितना मर्जी पुराना हो, शैतानी वसवसे जितने ज्यादा हो, बंदिश रिजक नजरे बद असेब जादू बदरू आजकल ये भी एक धंधा बन गया। अगर चे रुकिया शरिया इस्लाम में है लेकिन अब मैंने देखा ये एक धंधा और कारोबार बनता जा रहा है।
जितना मर्जी पुराना जादू वो हदीस के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा सुबह पढ़ेगा तो शाम तक शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज हो जाएगा। जादू किन दो चीजों से होता है, या जिन्नात के जरिए, काहन अपने जिन्नात जो उनके मददगार होते हैं उनको बेच के बंदे को डिस्टर्ब करते हैं, या अल्फाज से। अल्फाज के भी असरात होते हैं। आप किसी बच्चे को जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो आप उसको कहते रहे ना, बकअप करते रहे, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा सुना रहा है, तू बड़ा अच्छा जा रहा है, तू बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, तो सिर्फ अल्फाज की वजह से अल्लाह ताला वो बीमारी दूर कर देता है। इसी तरह बुरे अल्फाज के भी असरात होते हैं, हमें इस बात का इनकार नहीं है। मसलन आप किसी बंदे को गाली देना शुरू कर दें, तू ये है, तू ये है, आप देखेंगे आपने उसको सिर्फ बगैरत ही कहा ना तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अल्फाज के असरात का तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो अल्फाज बदताहन जादूगर लोगों के घर उजाड़ने के लिए जिन्नात या अल्फाज के जादू करते हैं, इनसे बचना कैसे है? ये 100 मरतबा ये पढ़ा करें, सुबह को पढ़ेंगे शाम तक शैतान से महफूज, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक शैतान से महफूज। और सही इब्ने हिब्बान के अंदर ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह को भी पता होता है बंदों का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत की नफसियात शायद जानते थे। ये तो मुत्तफ़िकुन अलैह हदीस है, सही है, 100 मरतबा पहले कहा, लेकिन एक बंदा 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो वो क्या इस वजीफे से महरूम रह जाएगा? नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस भी सही है, इब्ने हिब्बान के अंदर मौजूद है, जो 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता उसको कितनी दफा पढ़ना चाहिए? 10 मरतबा। और 10 मरतबा पढ़ने का अजर व सवाब क्या है? पहले तो 100 मरतबा पढ़ने के 10 गुलामों की आजादी थी और सुबह से शाम तक शैतान से बचना था, यहां सही हदीस के अल्फाज हैं, सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेगा तो 4 गुलामों की आजादी का सवाब मिल जाएगा, यानी तकफीफ कर दी आपके और मेरे ऊपर, आसानी कर दी। पहले 10 से 1 आजाद होता था, अब 10 से कितने आजाद हो रहे हैं? 4 आजाद हो रहे हैं। और जो अगली फजीलत है, अल्लाह की भी ये रहमत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, ये इंसान बीनी की और उम्मत की नफसियात जानने की कितनी अजीम बात है। रसूलुल्लाह ने वो फजीलत इसके अंदर भी नहीं छीनी, कहा जो सुबह 10 मरतबा पढ़ लेगा शाम तक शैतान से बच जाएगा, जो शाम को 10 मरतबा पढ़ लेगा सुबह तक शैतान से बच जाएगा। और जो दीगर सवाब है ना कि 100 दर्जे बढ़ेंगे, 100 गुना माफ होंगे, 100 नेकियों में इजाफा होगा, वो इजाफी बातें हैं। और सुनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस भी सही है, बाद अल्लाह को भी पता बंदे ऐसे माशाल्लाह मसरूफ हैं, और मसरूफ किन कामों में? शैतानी कामों में मसरूफ, किन कामों में? दुनियावी कामों में। वो क्या करें? ये हदीस भी सुनन इब्ने माजा की सही है, वो 1 मरतबा इस कलमे को पढ़ें। अब बताओ कोई बंदा ऐसा भी है हम में से बैठा जो वादा करे 1 मरतबा तो जिंदगी में पढ़ेंगे ना? 1 मरतबा पढ़ना मुश्किल है। 1 मरतबा सुबह पढ़ें, 1 मरतबा शाम पढ़ें। हदीस के अल्फाज ये हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता है, अल्लाह ताला कई मरतबा नबी करीम के जरिए किसी मसले की कोई फजीलत बयान करते हैं फिर उसमें तखफीफ भी करते चले जाते हैं ताकि वो लोग भी शामिल हो जाएं जो ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते। सिर्फ 1 मरतबा पढ़ने से हदीस के अल्फाज हैं, 1 इस्माइल के गुलाम बेटे को आजाद करने का अजर मिल जाएगा। गोया 100 मरतबा पढ़ने से 100 ही मिलने हैं। वो जो हदीस है ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है नेकियों को। और वैसे भी ये आम फैम लॉजिकल बात है, 10 की बात है तो अल्लाह ताला तो 10 से हर चीज को जरब नेकियों को देता रहता है। गोया 1 मरतबा पढ़ने से भी 1 इस्माइल का गुलाम बेटा आजाद होगा, और सिर्फ 1 मरतबा पढ़ने से सुबह से शाम तक शैतान जिन्नात जादू से बच जाएगा और शाम से सुबह तक बच जाएगा। अब बताइए कितना को पुराना जादू है जी, बड़ा पुराना जादू है जी, बड़े मसले आ गए हैं जी, बड़े मसले। 100 मरतबा सुबह और शाम अपने घर में ये वजीफा पढ़ लें, मैं आपको गारंटी देता हूं जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी बुरा तवीज हो, जितने मर्जी असरात बद अल्फाज के हों या जिन्नात के हों, इस वजीफे के सामने ना जिन टिक सकता है ना बुरे अल्फाज टिक सकते। आज आपने सुबह से शाम तक और लोगों को इब्लाग भी करना है ये वजीफा पढ़ना। और दूसरा वजीफा जो उस दिन बतलाया था वो ये था, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे भाइयों मुख्तसर करके मैं आपके सामने रखता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो तस्बीह है ना ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह की जो तस्बीह है ना अल्लाह को पसंदीदा आमाल में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को इतनी पसंद है
कि एक बंदा एक सोने का पहाड़ खर्च कर रहा है, सोने का पहाड़, और दूसरा बंदा सारा दिन क्या कह रहा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, या अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है या अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तस्बीह बयान करने वाला आगे निकल गया, सोने के पहाड़ को खर्च करने वाले से भी आगे निकल गया, सुभान अल्लाह कहने। वजह भी किया, वजह भी सुन लीजिए, वजह यह है, कुरान पाक में भी वजह बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने, ये इंसान ही कम बख्त है, इंसान ही कम ज़र्फ है, वरना जमीन व आसमान के माबैन जितनी मखलूकात हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, लेकिन तुम्हें उनकी तस्बीह का पता नहीं वो क्या है। और अगर इंसान गौर फिक्र करने वाला हो ना, इंसान को वो मखलूकात की अतात और तस्बीह भी मिल जाएगी, मिल सकती है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है। कभी आपने देखा ये प्लेनेटरी सिस्टम, ये कॉस्मोलॉजी के अंदर स्टार्स, जमीन, जितने भी सियारे सितारे हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ऐसे ताबे हैं, अल्लाह ताला ने इनको जो रास्ता दिखाया है ये उससे एक सेंटीमीटर भी इधर से उधर नहीं होते, और अगर हो जाए तो सारा निजाम तलपट हो जाए, सारा निजाम चौपट हो जाए। अल्लाह की ऐसी इताअत करते हैं कि जो सिरात, जो फलक, जो मिदार, जो गर्दिश अल्लाह ने जिस मखलूक के लिए मुकर्रर की है, एक सेंटीमीटर भी वहां से आगे पीछे नहीं होती वो मखलूक, अल्लाह की तस्बीह अल्लाह के डर से ऐसे चल रही होती है जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। और इंसान सुभान अल्लाह, सिरात मुस्तकीम भी बता दी, कुरान भी बता दिया, रास्ता भी बता दिया, फिर भी अपनी मर्जी से कभी इधर को निकल जाएगा, कभी उधर को निकल जाएगा। वो मखलूकात अल्लाह की ऐसी इताअत कर रही हैं, ऐसी तस्बीह बयान कर रही हैं कि एक सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं होती। और इसीलिए वो जो हदीस पहले आपके सामने रखी है ना, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, दुनिया भर की मखलूकात को अगर रिजक दिया जाता है तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की वजह से दिया जाता है, वो उसकी तस्बीह बयान कर रही होती हैं, और अल्लाह ताला इसलिए उनको रिजक देता है। मेरे भाइयों, ये कलिम, ये जो कलमे हैं, बुहारी शरीफ में आपने इसके बारे में हदीस पढ़ी है, कालिमतानी, खफीफतानी, अलल्लिसानी, सकीलतानी, फिल्मीजानी, हबीबतानी, इलर्रहमानी, ये दो कलमे बड़े जुबान पे हल्के हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह लज़ीम, कितने हल्के हैं, लेकिन मिजान को भर देने वाले हैं, मिजान को वजनी कर देने वाले हैं, रहमान को बड़े पसंद हैं। वजह क्या है? वजह ये, एक तो अल्लाह की आपने तस्बीह बयान की और उसके बाद अल्लाह की हमद बयान की, तस्बीह बयान करने से रिजक भी दिया जाता है, हमद बयान करने से रिजक भी दिया जाता है, लेकिन नबी करीम ने एक अजीब बात कही है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की अता के ऊपर भी बंदा कुर्बान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जब सिर्फ ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने जो नेमत दी होती है, बताइए नेमतें कितनी हैं, आंख नेमत है, दिल नेमत है, लाख रुपया भी नेमत है, करोड़ भी है, दुनिया में आज ऐसे लोग मौजूद है ना जिनको अल्लाह ने एक अरब दिया हुआ है, एक खरब वाले भी दुनिया में मौजूद है ना, एक बंदे को एक अरब रुपया मिल गया, समझाने के लिए कह रहा हूं, उसने जवाब में क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने यह जुमला इतना पसंद किया, अल्लाह ने कहा यह जो अल्हम्दुलिल्लाह है यह मेरे अता करता एक अरब से बेहतर है। ये सही हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह की किसी नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है तो अल्लाह ऐसे भड़ के कबूल करता है और कह देता है, नवीद सुना दी जाती है, जो नेमत अता की ना वो इससे हल्की है, अल्लाहु अकबर। हालांकि देखिए आंख की नेमत इंसान को कितनी बड़ी लगती है, इंसान सोचे अल्लाह आंख का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह आंख की अता करता नेमत से भारी हो गया, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की देन है, आप और मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते, वो रब इतना रहमान है, वो बंदों को चाहता है बंदे जहन्नुम में चले जाएं, अजाब भुगते, जब मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा आग में जल जाए, रब कैसे चाहेगा, रब ने ये बहाने बनाए हुए हैं, रमजान का मौसम इसी काम के लिए आया है कि कम अज कम इसमें सवाब के वो तरीके इख्तियार कर लिए जाए। और उम्मे हानी की हदीस है, इंशाल्लाह इसी वजीफे पर बात खत्म करेंगे, अगला वजीफा इंशाल्लाह अगले दरस में बयान करेंगे। ये जो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको उस दिन बताया था 100 मरतबा पढ़ना है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, इन 10 दिनों में पढ़ना है और अपनी जिंदगी के अंदर इसको जारी और सारी रखना है। इसका अकेले का अजर व सवाब उम्मे हानी की और दूसरी हदीस को इकट्ठा बयान करता हूँ, वक़्त तेजी से गुजर रहा है, वो ये है कि जो 100 मरतबा इन कलमात को अदा करता है, नंबर एक, उसने 100 कलादा पहने हुए ऊँटों को, जिंदा को,
اللہ کی بارگاہ میں دے دیا, نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا, اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیے. اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے. اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی, سبحان اللہ ہی والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ, تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں, اور دوسری بات کیا کہی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے, اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے, میں نے اور آپ نے. اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے, اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں. ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں, ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا, لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے. آپ کو پتہ ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ, کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا, خوش نصیب ہے کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے, جنت کا ایک خزانہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا, یہاں سے تیاری کرو گے. اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے, آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہو گئے, لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں, حالت غم میں, حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا, اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے. آپ بتائیے, دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے, بلکہ یہ 2 وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ, ایک تو یہ تھا کہ آخری 10 دن پڑھنے ہیں اور ان 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.